नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पे आपको गेस्ट फैकल्टी के लिए वैकेंसीज देखने को मिलेगा इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसीज को रिलीज किया गया है, साथ साथ यहाँ पे स्पेशलाइजेशन क्या चाहिए, टोटल वैकेंसी कितना है, उसके साथ साथ एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, ये सारे सब कुछ जो है डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। जिन्होंने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरीके की प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सारे के सारे डिपार्टमेंट दिए गए हैं, अलग अलग स्कूल के अंडर है। जैसे कि सबसे पहला स्कूल है स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट एंड इन्फॉर्मेटिक इन्फॉर्मेशन साइंसेज, जिसके अंडर है कॉमर्स, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। उसके बाद एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एंड फूड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पांच डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है स्कूल ऑफ एजुकेशन, इसके अंडर है एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, एजुकेशन अलग अलग कैंपस के लिए शिलोंग एंड तुरा। लास्ट कॉलम में आपको अलग अलग कैंपस यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन से कैंपस के लिए वैकेंसीज को रिलीज किए हैं। नेक्स्ट स्कूल है स्कूल ऑफ ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, इसके अंडर है जियोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, जियोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज के अंडर खासी, गारो, लिंग्विस्टिक्स, इंग्लिश, फिलोसॉफी। स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज के अंडर है बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री। स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज के अंडर स्टैटिस्टिक्स। स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के अंडर लॉ, कल्चरल एंड क्रिएटिव स्टडीज, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, सोशल वर्क। एंड देन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के अंडर है बेसिक साइंसेज एंड सोशल साइंसेज, आर्किटेक्चर, नैनो टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। टोटल वैकेंसीज अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए टोटल 61 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड स्पेशलाइजेशन जो यहाँ पे दिए गए हैं ये आप जरूर चेक करें बिफोर एप्लीकेशन। उसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं, जैसे कि ये जो रिक्रूटमेंट होगा प्योरली टेम्पररी बेसिस पे होने वाला है। बेसिकली जो है करंट सेमेस्टर के लिए ही रिक्रूटमेंट किया जाएगा, या फिर जब तक यहाँ पे कोई रेगुलर फैकल्टीज नहीं आ जाते हैं तब तक के लिए आपका ये अपॉइंटमेंट चलेगा। ये भी हो सकता है कि अगर आपका सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस रहा तो फिर जो सेमेस्टर एंड होगा उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ओके, सैलरी मिलेगा आपको 50,000 पर मंथ, फिक्स सैलरी है। इसके साथ कोई भी अलग से आपको जो है अलाउंसेस या फिर फैसिलिटीज यानी कि मेडिकल रिइंबर्समेंट वगैरह वो नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड अगर आप यहाँ पे लीव लेते हैं तो उसके लिए भी आपका सैलरी कटेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो इंटरव्यू का डेट है वो एक टेंटेटिव डेट यहाँ पे दिए गए हैं, 17 सितंबर, यानी कि 17th of September को इंटरव्यू होगा, बट जो फाइनल होगा वो बाद में आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। ओके, कोई टीएडी आपको नहीं मिलने वाला है फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। अगर कोई एक्सटर्नल कैंडिडेट्स होगा देन उनका जो इंटरव्यू है वो ऑनलाइन होगा, मतलब जो बाकी के सारे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इन पर्सन इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट डेट जो है वो 16th of September को है, 16 सितंबर को है। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। एंड दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट www.nehu.ac.in। ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है जो कि मेघालय में है। दोनों अलग अलग कैंपस के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी इन बोथ द कैंपसेज ऑफ शिलोंग एंड तुरा जो कि मेघालय में है। ओके, एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि ज्यादा दिन के लिए नहीं है, ये 11 सितंबर को ही रिलीज किया गया है एंड 16 सितंबर इज द लास्ट डेट। 5-6 दिन के लिए ही नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। दिस इज द एडवर्टाइजमेंट नंबर। ओके, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट में आपको जाना है एंड यहाँ पे आके आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए वैकेंसीज मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट पोर्टल का लिंक ऑलरेडी अवेलेबल है, एज वेल एज यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी दिए गए हैं। इसको क्लिक करके एक बार जरूर गो थ्रू करें बिफोर एप्लीकेशन एंड यहाँ पे क्लिक करके आप रिक्रूटमेंट पोर्टल में जा सकते हैं। यहाँ पे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा न्यू अकाउंट में जाके, देन लॉग इन करके फर्दर प्रोसीजर आप कंप्लीट कर सकते हैं। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, ना आपको हार्ड कॉपी वगैरह सेंड करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन को कम्प्लीट करना है बिफोर 16th of September। ठीक है, तो चलिए वीडियो अगर अच्छा लगे, नीडफुल या हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज के बारे में बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगी जो भी डाउट्स है 100% क्लियर करने के लिए। एंड उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है। चलिए वीडियो को ही पेंड करते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।